वो भी क्या समय हुआ करता था दोस्तों। चलिए कुछ पुरानी यादें ताजा करते हैं और चलते हैं फ्लैशबैक में। तो दोस्तों यहाँ पर पेटीएम ने काफी बड़ा लूट ऑफर निकाल दिया है। यहाँ पर हमें 10 ट्रांजेक्शन करने के लिए 100 रुपए का कैशबैक मिला है, एक ट्रांजेक्शन के लिए 10 रुपए का कैशबैक मिला है। काफी बढ़िया लूट है, मजा आने वाला है। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर देखा आपने कैसे बढ़िया बढ़िया लूट ऑफर्स आया करते थे पहले के टाइम पर, लेकिन अब के टाइम पर यहाँ पर यूपीआई ट्रांजेक्शन के हमें चार्ज देने पड़ेंगे। यहाँ पर दो बैंक्स निकल कर आई है, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। अब ये दोनों बैंक्स हमसे यूपीआई ट्रांजेक्शंस के चार्जेस लेंगे। क्या पूरी डिटेल्स है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक जरूर कर दिया और साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक से। तो स्टार्टिंग यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक ने करी थी यूपीआई ट्रांजेक्शन चार्जेस की, और उसके पीछे पीछे एक्सिस बैंक भी आ गया। तो यहाँ पर मैं आपको ऑफिशियल टर्म्स एंड कंडीशंस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर रीड कर सकते हैं। अभी ये जो ट्रांजेक्शन चार्जेस अप्लाई हुए हैं ये ओनली कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक पर होने वाले हैं। अगर आपके पास इन बैंक्स का अकाउंट है तभी आपको चार्ज देने पड़ेंगे। और ऐसा देखा गया आपको तो पता ही है, एक के पीछे एक बैंक्स आती रहती हैं, फिर एक जैसा कॉन्सेप्ट अपनाती रहती है। तो अभी तो इन दो बैंक्स पर चार्ज का कॉन्सेप्ट आया है, आगे चलकर शायद और बैंक्स पर भी आ जाए। तो मैं आपको फुल डिटेल बता दे रहा हूँ कि किन किन ट्रांजेक्शंस पर हमें चार्ज देना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक का जो चार्जेस का लगने का टाइम है वो 1 अप्रैल से है, यानी 1 अप्रैल से आपको चार्ज देना होगा यूपीआई ट्रांजेक्शन करने के लिए। अब यहाँ पर आपको एक मंथ में 20 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री मिलेंगे, यानी कि आप 20 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं पूरे मंथ में। पहले हम कितने भी करा करते थे, दगापेल करते ही चले जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर आपको ओनली एक मंथ में 20 ट्रांजेक्शन मिलेंगे फ्री। उसके बाद अगर आप 20 ट्रांजेक्शन के बाद 21st वाला ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको 2.5 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा, अगर आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट 1000 रुपये या उससे कम का है। अगर आपका अमाउंट 1000 या उससे कम का है तो 2.5 रुपये का चार्ज आपको देना पड़ेगा। वहीं दोस्तों अगर आपका अमाउंट 1000 रुपये से ज़्यादा का है तो आपको 5 रुपये का ट्रांजेक्शन चार्ज देना पड़ेगा पर ट्रांजेक्शन, यानी कि 20 ट्रांजेक्शन फ्री मिलेंगे। अगर आप अगला ट्रांजेक्शन करेंगे उसी मंथ में तो आपको यहाँ पर 2.5 रुपये अगर 1000 से कम है और 1000 से ज़्यादा है तो 5 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट एक्सिस बैंक ने भी लॉन्च किया है कि उनका भी सेम है, 2.5 रुपये का चार्ज लगेगा 1000 से कम के ट्रांजेक्शन अमाउंट पर और 1000 से ज़्यादा पर 5 रुपये देने पड़ेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर अभी ये जो ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं ये सभी पर अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। कुछ कुछ यूपीआई ट्रांजेक्शन ऐसे होंगे जिनको आप कर सकते हैं, वो अभी भी फ्री है। तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कि किन किन यूपीआई ट्रांजेक्शन को हमें चार्ज देना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप कोटक का मोबाइल ऐप यूज करते हैं, ठीक है, तो मोबाइल ऐप पर अगर आप कोई से भी कोटक मोबाइल ऐप से कोई भी यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उनके लिए जैसे 20 ट्रांजेक्शन तो फ्री ट्रांजेक्शन पर आपको चार्ज लग जाएगा। साथ साथ अगर आप कोई भी अदर यूपीआई ऐप्स हैं लाइक पेटीएम हो गया, फोनपे, गूगल पे, अमेजोन, फ्रीचार्ज, ट्रूकॉलर वगैरह जितने भी अदर यूपीआई ऐप्स हैं उन सभी पर अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर आपका कोटक अकाउंट लिंक है तो 20 ट्रांजेक्शन फ्री है, 21st वाली ट्रांजेक्शन पर चार्ज देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर तो यही हो गया है दोस्तों यहाँ पर कि हमें 20 ट्रांजेक्शन फ्री मिल रहे हैं बस, और बाकी वहाँ पर चार्ज हमें देना पड़ेगा अगर एक मंथ में हम ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं। अब किन किन चीज़ों पर चार्ज नहीं है वो आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर आप कोई भी मर्चेंट पर पे करते हैं तो आपको चार्ज नहीं है। अगर आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और पेमेंट अपनी यूपीआई के जरिए करते हैं तो भी कोई चार्ज नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर अगर कोई सा भी बिल पेमेंट करते हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टपेड बिल पेमेंट और गैस बिल वगैरह, तो उन पर भी आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अब दोस्तों ये जो बातें हैं ये हो गई कोटक की। ऐसे एक्सिस बैंक ने भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है उनका भी, उनमें भी सेम टू सेम चार्जेस है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अलग है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज, यहाँ पर कोटक में जो चार्जेस अप्लाई होंगे वो 1 अप्रैल से होंगे, वहीं एक्सिस बैंक में आपको 3 अप्रैल से चार्ज लगने चालू हो जाएंगे। साथ साथ दोस्तों अगर आप एक्सिस बैंक पर अगर आप मर्चेंट पे भी स्कैन एंड पे करते हैं और स्कैन एंड पे करके यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो भी आपको एक्सिस बैंक पर चार्ज देना पड़ेगा, यानी 20 ट्रांजेक्शन आपको एक मंथ में फ्री मिलेंगे, चाहे उस पर आप स्कैन एंड पे कीजिए, यूपीआई ट्रांजेक्शन कीजिए, पीटूपी ट्रांजेक्शन जो हम करते हैं, या फिर कोई और ट्रांजेक्शन कीजिए लाइक एक्सिस बैंक का जो मोबाइल ऐप आता है उससे ट्रांजेक्शन करें, कोई से भी ट्रांजेक्शन, बस 20 ट्रांजेक्शन आपको फ्री मिलेंगे, 21st या उससे ज्यादा के ट्रांजेक्शन उसी मंथ में करेंगे तो आपको यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। तो 2.5 रुपये का चार्ज है 1000 से कम पर और 1000 से ज्यादा पर 5 रुपये का चार्ज। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट निकाला गया है और ऐसा देखा गया है कि एक के पीछे एक सभी बैंक्स आई जाती है, तो शायद फ्यूचर में सभी बैंक्स पर धीरे धीरे HDFC, ICICI बैंक वगैरह भी चार्जेस लगाना चालू कर दे। तो दोस्तों वैसे ही यहाँ पर कोई ऑफर नहीं आ रहा है और आ भी रहे तो बहुत छोटे मोटे ऑफर्स आ रहे हैं और ऊपर से हमें यूपीआई ट्रांजेक्शन चार्जेस भी देना पड़ेगा आपसे। तो अभी तो 2 ही बैंक्स आई है, शायद आगे चलकर और भी बैंक्स आ जाएं। तो बस दोस्तों यही थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिससे कि आपको ऐसे बड़ी वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। तो बस मैं मिलता हूं फ्रेश एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक जय हिंद,
वंदे मातरम।